गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं, जो मेरे पास आपका टेस्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। अब समय बचाने के लिए हम लोगों के पास एक सुविधा है जो YouTube के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दें, आप भी उस एक्सप्लेनेशन को घर पे देखें। तो फाउंडेशन बैच जो है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बेसिक पार्ट है, इसलिए जिन बच्चों को अभी कुछ छूट गया है वे घबराए नहीं। फिर जो नेक्स्ट बैच कितने अगस्त से, सबको तो मालूम चल गया होगा, 14 अगस्त से स्टार्ट होगा 8 to 10 AM, तो उसमें कर लेना है। मेरे पास यदि आप पढ़ने वाले हैं तो किसी न किसी तरह से आपको हम मैनेज कराएंगे ही, इसीलिए आप टेंशन न लें। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ ई बाय एम फॉर कैथोड रे। ई बाय एम रेशियो पूछा जा रहा है कैथोड रे का क्या होगा। तो कैथोड रे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, हमसे इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम रेशियो पूछ दिया गया। तो जो लोग भी क्लास किए हैं वे देखिएगा, क्लास में हम बार बार फोकस कर रहे थे जो ई बाय एम रेशियो जेई में नीट में पूछा जाता है। तो ई बाय एम रेशियो कैथोड रे का हमेशा कांस्टेंट होता है। उसमें जो हम लोग अलग अलग गैस भर देंगे वे गैस से इंडिपेंडेंट रहेगा। वे गैस से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो कहा जा रहा वैरीज विथ ए गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, क्या वैरी करता है, तो गलत। ये तो हमको याद रखना पड़ेगा और इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। और जितना भी आपको क्वेश्चन करवाएं फाउंडेशन में, अभी से ही अच्छा से करते जाइए। देखिए आपको चाहे 12th हो, 11th हो, जेई हो, नीट हो, आसानी से हो जाएगा। ये फिक्स, यानी पहला जो सवाल है वे इसका आंसर क्या होगा, बी फिक्स। सी में कहा जा रहा है वैरीज विद डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर इससे इसका कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम इफ हाइड्रोजन इज टेकन, जब ये किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है तो मैक्सिमम का कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा। कैथोड रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहा जा रहा है कैथोड रे जो है क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपको हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो ये जो कैथोड रे है वे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अभी तो आपको यही जानना होगा। आगे देखते हैं स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये भी नहीं है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रे कह दें या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें, दोनों बात सेम है। स्ट्रीम ऑफ कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा नंबर, कैथोड रे है मास वनली, केवल मास होता है। नेक्स्ट चार्ज वनली, हम लोग देखे हैं मास भी होता है और चार्ज भी होता है। मास एंड चार्ज बोथ, सी ऑप्शन है, नो मास नो चार्ज, तो ये बात तो गलत है। याद है जो कैथोड रे का यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 9. ये जो मास है वे 9.108×10⁻³¹ kg फिक्स है। तो मास भी है और चार्ज आप कितना देखे हैं, तो −1.602×10⁻¹ कितना कह देंगे, −19 कूलम। तो
ये जो इसके पास मास भी है और क्या कहेंगे बाबू, चार्ज भी है, तो तीसरा नंबर का कौन सा आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, डी। फोर्थ नंबर, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, याद कीजिए आपको बताए थे द गॉफ चेन, बताए थे ना द गॉफ चेन। द का मतलब क्या सिखाए थे, थॉमसन, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी थॉमसन साहब किसको खोज किए थे इलेक्ट्रॉन को, जी ओ से गोल्ड स्टील, और ई पी से प्रोटॉन, सी एच ए आई चैडविक, चैड सी एच ए आई चैडविक, और एन फोर न्यूट्रॉन। तो जब भी आपको डिस्कवरर के बारे में बात किया जाए तो आप ये स्लोगन याद रखिए। देखिए आपको हम जो है ये स्मूथली कैसे आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो रहे, इसके लिए हम लोगों को टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स भी संभालना है, केमिस्ट्री भी संभालना है, यदि मैथ रखे हैं तो मैथ संभालना है, या बायो रखे हैं तो बायो। अब तीन तीन इतने बड़े सब्जेक्ट को जब तक आप टेक्निकली नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं होगा, इसलिए कहाँ कन्फ्यूजन है उस बात को ध्यान रखना होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग एक ही साथ पढ़ लेते हैं, अब डिस्कवरर के बारे में कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो हमसे पूछ दिया गया जो बताइए न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किए, तो देख लीजिए न्यूट्रॉन का किसने, चैडविक। है कोई ऑप्शन तो बी, यानी फोर्थ नंबर का क्या कह देंगे, बी। ठीक, तो चलिए आगे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो चलें हम लोग नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, कहा जा रहा है न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस किससे बना हुआ होता है, तो यही एटम का मॉडल है और ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस बना हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और ये ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या जवाब होगा इसका, जो न्यूक्लियस बना हुआ होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इसका आंसर क्या कहेंगे बाबू, ए नंबर। 6 का, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय, तो हम लोग क्या कहेंगे इसका आंसर, आर ए मिलिकॉन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यदि आपसे हम ये पूछ दें जो बताइए आर ए मिलिकॉन जो है कौन सा एक्सपेरिमेंट द्वारा इस पर डिटरमाइन किए, तो क्या आपका जवाब होगा, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, और ये निगेटिव में जो माइनस अभी लिखे थे 1.602, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया है, और ये किसने किए थे, तो आर ए मिलिकॉन नाम के साइंटिस्ट किए थे। तो आंसर जो 6 है उसका बी होगा, मतलब एज इट इज हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है जो ऐसा होता है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ई बाय एम ऑफ एनोड रे हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब फिल विथ, देखिए ई बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है गैस के नेचर से, लेकिन सवाल है जो एनोड रे का यानी प्रोटॉन का ई बाय एम रेशियो तो डिपेंड करता है, तो हम लोग एक फार्मूला आपको क्लास में दिए हुए हैं, ई बाय एम रेशियो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, समझ रहे हैं बात को, यानी मास ऑफ ई बाय एम रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि मास ज्यादा होगा तो ई बाय एम रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग ई बाय एम रेशियो जो 7 का बात करेंगे, वे सबसे मास कम किसका होगा, तो नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन यदि लें तो नाइट्रोजन आपका 28 होता है ना, तो सबसे कम मास किसका? सी यानी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास कितना लेंगे? तो 2। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ब्रैकेट में दिया हुआ है लोअर फर्स्ट, लोवेस्ट फर्स्ट, फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। क्या समझे? ये जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं बाबू, ये दिए हैं सबका सब, या तो जेई में पूछा जा चुका है या नीट में पूछा जा चुका है, इसीलिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबका कॉन्फिडेंस एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हाँ, यदि आपको इस एक्सप्लेनेशन में फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप बेहिचक ऑफिस में आकर के अगेन डिस्कशन करते हैं, फिर करना है हम लोगों को। इसीलिए डरना नहीं है, मेरे पास यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे वे बात नहीं करेंगे जो बन जाएगा, ये बात करेंगे जो आपसे बनाना होगा, चाहे जैसा बने। तो हम आपसे समझा रहे थे जो ई बाई एम रेशियो हम लोगों को टेक्निकली याद रखना है, सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद अल्फा, उसके बाद न्यूट्रॉन। इस दोनों में वैल्यू जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली जो है सो आपको समझाते हैं। ए बी सी डी में पहले ई ज्यादा और पी बाद में, इसीलिए ई और पी में क्लियर हो गया। उसके बाद अल्फा न्यूट्रॉन का तो सबसे कम यानी जीरो होता है। तो देखिए, जैसे ही ऑप्शन वाला सवाल हो तो आपको ये चेक करना है जो क्या कहते हैं सबसे कम, जैसे हम ये अरेंज किए सबसे कम वाला को बाद में रख दिए, लेकिन आपसे कुछ दूसरा कहा जा रहा है लोवेस्ट फर्स्ट, यानी सबसे पहले कौन? तो न्यूट्रॉन, सबसे पहले न्यूट्रॉन, उसके बाद कौन? अल्फा, उसके बाद कौन? प्रोटॉन, उसके बाद कौन? इलेक्ट्रॉन। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा बाबू, तो आंसर डी ना, न्यूट्रॉन अल्फा प्रोटॉन और ई, तो इसीलिए आइट का कौन हो जाएगा हम लोगों को डी। 9 नंबर, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ, देखिए न्यूट्रॉन जो है, आज ही हम क्लास में थोड़ा सा कुछ बोल दिए थे क्योंकि हम जानते थे जो क्वेश्चन तो सेट हो गया है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग रदरफोर्ड जो एक्सप्लेनेशन आज जो स्टार्ट किए, अगले रोज हम लोग रदरफोर्ड के बारे में मजे से पढ़ेंगे, अच्छा से एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा है, मुश्किल से आधे घंटा का क्लास है, आधे घंटा भी बहुत है, तो वहां न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे। अभी आपको हम समझा देते हैं जो मास ऑफ न्यूट्रॉन यदि कहा जाए तो ये 1.674 इंटू 10 के पावर -27 केजी। तो हम लोगों से कहा जा रहा है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ, बताइए जो ये कौन सा ऑर्डर होगा, है ना? तो देख लीजिए जो ऑर्डर किसके अंदर है, तो ये 27 है, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा, हैं? तो ए, तो 9 का हम लोग क्या कह देंगे, ए। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, बताइए जो सिल्वर का सिंबल क्या होगा। तो ये उम्मीद है जो सभी लोगों से हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना बना हो तो घबराना नहीं है, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो बार बार आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, और अभी तो आप लोग स्टार्ट ही किए हैं, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेहनत कीजिए। तो सिल्वर का जो सिंबल है वे हम लोग क्या कहते हैं, एजी, एजी, समझिए, यानी अर्जेंटेनम से आता है। तो बस इतना ही, आप जानते हैं जो फाउंडेशन बैच अगेन स्टार्ट कब से हो रहा है, 14 अगस्त से एडमिशन ओपन है, एडमिशन आप करा सकते हैं, चाहे तो फ्री डेमो भी कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं जो डेमो करने वाला कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं होता है, क्या समझे, मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं वो डेमो में एक दिन में क्या
अकल कर पाएगा, तीन दिन में क्या अकल कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा बाबू, चाहे मेरे पास हो या कहीं भी आप जाते हो तो डेमो से कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं जो पटना में यदि केमिस्ट्री आप नाम सुने होंगे तो ज्यादातर नाम सुने होंगे भी किशोर सर, नाम सुने है ना। हाँ बस इतना है।